हेलो फ्रेंड्स, निटिंग नाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज का पैटर्न हमारा बहुत इजी पैटर्न है, बारीक बुनाई डिज़ाइन है और बड़ा आसान है। इसके लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए, जो फंदे चाहिए, 4 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 4 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 2 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। 10 नंबर नीडल्स है और नॉर्मल 4 प्लाई वूल है। तो देखिए, पहली सिलाई हमारी रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारी बैक साइड है। तो फर्स्ट रो बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, पहली सिलाई उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल 2 स्टिचेस, 1 2। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेके आएंगे और एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। तो स्लिप करने के बाद जो हमने ये 4 फंदे बुने, यही हमने बार बार रिपीट करने हैं। देखिए फिर से, पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो ये हमने बार बार रिपीट करते जाना है। पर्ल 2 स्टिचेस, 1 2 1, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप 1। तो ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारा, क्योंकि रॉन्ग साइड है, एच स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल द एच स्टिच। अब देखिए रो 2 राइट साइड से दूसरी सिलाई सीधी तरफ से, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो हमारे 2 फंदे हैं, इन दोनों को हमने इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करना है, लेकिन गिराएंगे नहीं, इस तरह से लॉन्ग लूप निकालेंगे। अब जो पहला फंदा है उसे एक बार फिर से बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो ये हम 2 फंदों के इस तरह से 2 फंदे बना लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। निट 2 स्टिचेस, 1 2। अब ये 4 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। देखिए 2 फंदों को हम इस तरह से बैक लूप से एक बार सीधा बुनकर एक लूप बना लेंगे, फिर एक फंदे को दोबारा से हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे ऐसे, और फिर 2 फंदे सीधे। ये 4 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, निट फर्स्ट स्टिच अगेन थ्रू बैक लूप, निट 2 स्टिचेस, 1 2। तो ऐसे जब हम 2 फंदे लास्ट के सीधे बुनेंगे, उसके बाद एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि राइट साइड है। अब देखिए थर्ड रो तीसरी सिलाई, ये 2 ही सिलाई है जिन्हें हमने रिपीट करना है। देखिए क्या करेंगे, अब पहले फंदे को स्लिप किया, अब इस बार हम पहले जो है एक फंदा सीधा बुन लेंगे। वही 4 फंदे जो हमने रो 1 में किए थे वही है, लेकिन आगे पीछे करके करना है। देखिए अब पहले एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद धागा आगे लाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो था ये बुनाए थे, इस बार हम पहले ये 2 फंदे जो है स्लिप और निट कर लेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यही हमने बार बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे उल्टे। फिर से यही रिपीट करेंगे, 1 यार्न फॉरवर्ड, स्लिप 1, पर 2 स्टिचेस, 1 2। तो जब बार बार हम ये रिपीट करते जाएंगे, लास्ट के जब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एच स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो ऐसे हमने रो थर्ड तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए फोर्थ रो चौथी सिलाई, इसे हम सेकेंड रो की तरह बुनेंगे, दूसरी सिलाई की तरह बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अब इस बार हम पहले 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने जो पहले किया था वो बाद में, और जो बाद में किया था वो पहले। अब इन 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे एक साथ, फिर पहले फंदे को दोबारा से एक बार सीधा बुन लेंगे। तो यही हम
फोर स्टिचेस चार फंदे रिपीट करते जाएंगे। टू स्टिचेस नीट टू टुगेदर नीट फर्स्ट स्टिच अगेन, दो फंदे सीधे, दो फंदे एक साथ गिराएंगे नहीं, पहले फंदे को एक बार फिर से बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो यही चार सिलाई फोर रोज हमने बार बार रिपीट करते जाना। मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताती हूँ, जो हमने रो वन में किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, फिर दो फंदे उल्टे बुने थे, पर्ल टू, फिर उसके बाद धागा पीछे ले गए थे, एक फंदा सीधा बुना था और धागा आगे लाकर एक फंदे को स्लिप किया था। तो फ्रेंड्स यही हमने जो है फोर रोज चार सिलाई जब बार बार रिपीट करनी है तो ये हमारा पैटर्न देखिए इस तरह से बनता जाएगा। और ये बहुत प्यारा और बारीक पैटर्न है और बहुत आसान है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, ये देखिए। और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है, बारीक बुनाई है तो आप इसे जेंट स्वेटर्स में भी यूज कर सकते हैं, बॉर्डर्स बना सकते हैं इससे, बैक साइड से इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।